नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और चाइना विवाद और पाकिस्तान से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आए दोस्तों, जहां आपको अजीत डोभाल को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अजीत डोभाल ने SCO की बैठक में पाकिस्तान के एक हरकत से NSA डोभाल ने छोड़ दी बैठक। जी हां दोस्तों, और बैठक को छोड़कर बाहर निकल आए। बताएंगे पूरी खबर क्या है। साथ ही अगर आप भी चाइना को भारत के सामने झुकते हुए देखना चाहते हैं और मानते हैं कि मोदी जी हैं, तभी ये चीज संभव है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको NSA डोभाल के बाद अगली खबर में बताएंगे कि चाइना सीमा विवाद पर संसद में क्या बोले राजनाथ सिंह। साथ ही पाकिस्तानी वायुसेना का विमान प्रशिक्षण उड़ान के दौरान हो गया दुर्घटनाग्रस्त। जी हां दोस्तों, साथ ही अरुणाचल सीमा के सामने दिखा चीनी सेना का निर्माण, भारतीय सेना ने क्या कदम उठाया बताएंगे आपको दोस्तों। साथ ही अगर आप भी रेलवे के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं दोस्तों, और आप लोग हमेशा कन्फर्म टिकट पाना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर होगी। साथ ही अगर आप दिवाली तक या दिवाली से पहले सोना चांदी खरीदना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोगों के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अंत में इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये देश का सवाल है। चलते हैं अब पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि SCO की बैठक में पाकिस्तान ने पेश किया अपना नया नक्शा, जिसके विरोध में NSA डोभाल ने छोड़ दी बैठक। जी हां दोस्तों, SCO की बैठक में पाकिस्तान ने दिखाया भारत का गलत नक्शा। साथ ही रूस ने भी दी चेतावनी। आपको बता दें, जहां रूस में मंगलवार को हुई शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई, इस बैठक में पाकिस्तान ने अपना नया नक्शा पेश किया, जिसे भारत ने काल्पनिक करार दिया। इस नक्शे को पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी है। भारत के NSA अजीत डोभाल ने इसका विरोध करते हुए बैठक छोड़ने का फैसला कर लिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में कहा कि इस बैठक में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जानबूझकर एक काल्पनिक नक्शा पेश किया, जिसे पाकिस्तान आज कल प्रचारित कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने जो किया वो बैठक के नियमों का उल्लंघन था, और भारत ने मेजबान से विमर्श करने के बाद बैठक को ही छोड़ दिया। जी हां दोस्तों, और अजीत डोभाल का कहना है कि जहां हमारे भारत की इज्जत नहीं होगी, वहां हम नहीं होंगे। ऐसे में दोस्तों, अजीत डोभाल ने सारे देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच में ये दिखा दिया है कि भारत की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते, और कोई झूठा इल्जाम भारत पर नहीं लगा सकता, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो या चाहे कोई अन्य देश। ऐसे में दोस्तों, अजीत डोभाल के इस बड़े कदम का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, 0 से 100% में एक नंबर जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितना समर्थन करते हैं और कितना प्यार आपको अपने भारत देश से। और दोस्तों, ऐसे में आप गलत नक्शा पेश करने को लेकर पाकिस्तान को किस प्रकार घेरना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। जहां पाकिस्तान के खुद के नक्शे की कोई अस्तित्व ही नहीं है, और भारत के नक्शे को गलत पेश करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में अपनी बात जरूर रखिएगा दोस्तों। और साथ ही आपको बता दे दोस्तों, जहां पर रूस ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में दोबारा ऐसा ना करने की चेतावनी दी है, और गौरतलब है कि रूस इस बैठक की अध्यक्षता कर रहा था। ऐसे में दोस्तों, रूस ने भी भारत का साथ दिखाते हुए अजीत डोभाल को दोबारा बैठक में आने की बात कही, और पाकिस्तान को करारे लहजे में धमकी की तरह बात कही है। उन्होंने कहा है कि दोबारा इस तरह की हरकत ना हो जाए, और झूठा और कोई भी फालतू नक्शा इस जरूरी मीटिंग में मजाक की तरह पेश ना किया जाए। यहाँ मजाक करने कोई भी नहीं बैठा है, यहाँ पर एक सीरियस मीटिंग होगी, जो कि हर देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को डिसिप्लिन के थ्रू सबकी बातें सुनने और अपनी बात रखने का हक है। ऐसे में दोस्तों, अब एक और खबर की माने तो चीन सीमा विवाद पर संसद में बोले राजनाथ सिंह, कहा हम सभी परिस्थितियों से निपटने को है तैयार। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध को लेकर लोकसभा में बयान दिया। विपक्ष द्वारा लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा था। ऐसे में रक्षा मंत्री
मंत्री ने एक एक करके मुद्दे पर सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल ही में चीन ने लद्दाख में घुसपैठ करने का प्रयास किया, जिसे भारतीय जावाजों ने विफल कर दिया। हालांकि दोनों ही देश चाहते हैं कि सीमा पर तनाव कम किया जाए और शांति बहाल की जाए। लद्दाख में हम एक चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं और हमें प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि पूरा सदन जवानों के साथ खड़ा है। ऐसे में दोस्तों राजनाथ सिंह ने कहा कि मैंने हाल ही में लद्दाख जाकर जवानों का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लद्दाख पहुंचकर जवानों से मिले, उन्होंने ये संदेश भी दिया था, ये हमारे वीर जवानों के साथ खड़े हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा पर मैंने वीर जवानों के अदम्य साहस को महसूस किया है। आप जानते हैं कर्नल संतोष बाबू ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी बात कही गई है रक्षा मंत्री राजनाथ की तरफ से। ऐसे में आप कितने समर्थन करते हैं इनकी बातों का जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो पाकिस्तानी वायुसेना का विमान प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो यूएस इलेक्शन 2020 को लेकर बड़ी खबर, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिद्वंदी जो बाइडन पर लगाया ड्रग्स लेने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेटिक प्रमुख सत्र की बहस के दौरान जो बाइडन के प्रदर्शन में उन्होंने अजीब बदलाव देखा। उन्होंने कहा, शुरुआत में जब कई डेमोक्रेट प्रत्याशी मंच पर थे तब जो बाइडन का प्रदर्शन बेहद खराब था, लेकिन बाद में वन ऑन वन बहस में उनका प्रदर्शन ठीक था। ट्रंप ने अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि जो बाइडन को 29 सितंबर को होने वाली पहली तीन राष्ट्रपति बहसों से पहले ड्रग टेस्ट करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं भी अपना ड्रग टेस्ट करवाऊंगा। ट्रंप कहते रहे हैं कि जो बाइडन मानसिक रूप से मजबूत नहीं है। उन्होंने कहा, हमें ऐसा राष्ट्रपति नहीं चाहिए जो मानसिक रूप से बीमार हो। ऐसे में दोस्तों जो बाइडन पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, जहां पर उन्होंने जो बाइडन पर ड्रग्स लगाने का आरोप लगाया है। दोस्तों ऐसे में आप ट्रंप के इस आरोप को कितने हद तक सही मानते हैं दोस्तों जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अरुणाचल सीमा के सामने दिखा चीनी सेना का निर्माण कार्य, अलर्ट पर है हमारी भारतीय सेना। जी हाँ दोस्तों, बीते दिनों लद्दाख में रेजांग ला के पास मात खाई चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश सीमा पर कम से कम 4 स्थानों पर सैन्य ठिकानों का निर्माण कर रही है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चीन की इन गतिविधियों पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। चीनी सैनिकों की ओर से घुसपैठ की आशंका को देखते हुए भारतीय सेना अलर्ट पर है और यहां सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के सामने चीनी क्षेत्र में आने वाले असाफिला तुतिंग एक्सिस चेंग जी और फिस्टेल 2 सेक्टर में चीनी सेना द्वारा किया गया निर्माण कार्य देखा गया है। ये भारतीय क्षेत्र से करीब 20 किलोमीटर दूर है। सूत्रों ने कहा कि इस बात की आशंका है कि चीन इन इलाकों से घुसपैठ और कुछ इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में दोस्तों हमारी भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है और इसको लेकर भारतीय सेना ने अपनी क्षमता भी बढ़ा ली है दोस्तों, ताकि न जाने किस मुसीबत का सामना करना पड़ सके भारतीय सेना को। तो दोस्तों ऐसे में आप अपनी भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए तो अच्छी बात जरूर कह दीजिएगा। एक और खबर की माने तो LAC पर घुसपैठ में मिली मात से चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का भविष्य है खतरे में, रिपोर्ट से यह बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर एक बड़ा रिपोर्ट सामने आ रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की घटना ने जिनपिंग के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन द्वारा भारतीय सैनिकों को LAC पर पीछे धकेलने में विफल रहने से पता चलता है कि जिनपिंग की भयभीत करने की क्षमता में कमी आ गई है। न्यूज़वीक पत्रिका में एक वकील और टिप्पणीकार गार्डन ची जांग द्वारा लिखित एक लेख में कहा गया, LAC के क्षेत्रों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की असफल घुसपैठों के चलते चीनी राष्ट्रपति का भविष्य खतरे में पड़ गया है। जी हां दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही थी, इस पर आपकी क्या राय है और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जिनपिंग को सरकार से हटते हुए देखना चाहते हैं और मानते हैं कि जिस दिन चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग सरकार से चले जाएंगे उस दिन के बाद से भारत चाइना विवाद खत्म हो जाएगा। कितने लोगों का मानना है दोस्तों जरूर लिखकर बताइएगा अगर आप भी मानते हैं तो। एक और खबर की माने तो डोनाल्ड ट्रंप का है दावा, ईरान बना सकता है अमेरिका पर हमले की परियोजना। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आशंका जताई है कि ईरान अमेरिकी ड्रोन हमले में अपनी सेना के मेजर जनरल का
कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका में हत्या या अन्य हमलों की योजना बना सकता है और ईरान को चेतावनी दी है कि यदि वो इस तरह के हमले को अंजाम देता है तो उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक और खबर की ओर चलें तो नेपाल की धरती पर किया कब्जा, अब भारत के खिलाफ बच्चों के दिमाग में जहर घोलेगी ओली सरकार। जी हाँ दोस्तों, नेपाली न्यूज वेबसाइट कांतिपुर की एक खबर के मुताबिक नेपाल का भूभाग और सीमा संबंधी स्वाध्याय सामग्री किताब को स्कूल स्तर पर पढ़ाया जाएगा। स्वाध्ययन सामग्री को पाठ्यक्रम से जोड़ा जा सकता है। पाठ्यक्रम विकास केंद्र ने कहा है कि पुस्तक नेपाल के क्षेत्र और सीमाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है और नेपाल के सरकार के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि जिस प्रकार से नेपाल ने अपना नया नक्शा अपडेट किया है जिसमें झूठा झूठा भारत के जगहों को अपना दिखाया गया और उसी नक्शे को दोस्तों उन्होंने अपने बच्चों के किताबों में डाला है जिससे उनको गलत पढ़ाया जाएगा दोस्तों, और इसी प्रकार से वो भारत को घेरने की कोशिश करेगा और नेपालियों के मन में ये बात बैठाने की कोशिश करेगा कि भारत का वो काला पानी और लिंपिया धूरा नेपाल का, इस प्रकार की बातें उनके मन में डालना चाहता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों और किस प्रकार से ओली सरकार को घेरना चाहिए भारत को, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो एडीबी का कहना है 60 साल में पहली बार मंदी की गिरफ्त में आएगा विकासशील एशिया। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो ट्रंप की मौजूदगी में इसराइल यूएई व बहरीन ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। जी हाँ दोस्तों, यूएई और बहरीन के व्हाइट हाउस पश्चिम एशिया के दो अहम मुस्लिम देशों संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन के साथ इसराइल के राजनयिक संबंधों को स्थापित करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर के कार्यक्रम की मेजबानी मंगलवार को करेगा। ये चुनावी साल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक उल्लेखनीय कूटनीति उपलब्धि। ऐसे में दोस्तों इसराइल यूएई और बहरीन के ऐतिहासिक समझौते पर आप उनको धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, अगर आप भी उनके समझौते से खुश हैं तो। एक और खबर की माने तो साउथ चाइना सी में फिर हलचल मची, इंडोनेशिया ने चीनी शिप को पकड़ा, लगाई चाइना को फटकार। जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ उसके लगभग हर पड़ोसी देश का विवाद जारी है। अब इंडोनेशिया ने सोमवार को आरोप लगाया है कि चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज उसके समुद्री इलाके में आ गए हैं। चीन की फ्लीट इंडोनेशिया के नातुआना आइलैंड में आ गई जिसका विरोध जताया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी पीटा चाइना, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिर दी मात। जी हाँ दोस्तों, सीमा से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक भारत ने चीन को मात देने में लगा हुआ है। अब भारत ने चीन को पछाड़ते हुए प्रतिष्ठित इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी ECOSOC में जगह बना ली है। भारत काउंसिल से जुड़े महिला स्थित आयोग का सदस्य बन गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो पाकिस्तान में 5 महीनों बाद फिर से खुला स्कूल और कॉलेज, एक क्लास में बैठ पाएंगे ज्यादा से ज्यादा 20 छात्र। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो भारत से तनाव के बीच अब इस देश पर चीन की बुरी नजर, सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अपनी विस्तारवादी आदतों के लिए कुख्यात चाइना भूटान के कुछ हिस्सों को कब्जाना चाहता है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भूटानी क्षेत्रों पर कब्जा जमाने को तैयार बैठी है। भारत ने इस ताजा घटनाक्रम से भूटान की सरकार को अवगत करा दिया है। जी हाँ दोस्तों, और खबर की माने तो छोटे कारोबारियों के लिए फेसबुक ने की 32 करोड़ रुपए सहायता की घोषणा। आपको बता दें किन किन शहरों को मिलेगा इसका लाभ। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक इंडिया के MD और VP अजीत मोहन ने कहा है कि ये सहायता दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर के 3000 से अधिक छोटे कारोबारियों को दी जाएगी। इसमें कैश और विज्ञापन क्रेडिट शामिल है जिसमें कैश का हिस्सा अधिक होगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर थी। एक और खबर की माने तो उइगर मुस्लिमों के शोषण पर अमेरिका ने चीन को दी खुलेआम चेतावनी, उठाया ये बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि हम CPC द्वारा यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन कर अल्पसंख्यकों से जबरन काम करवाने की निंदा करते हैं। अमेरिका ऐसे उत्पादों का आयात नहीं करेगा जो उसके मूल्यों के खिलाफ है। चीन में प्रताड़ित उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों द्वारा निर्मित उत्पादों को अब अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि ये सही कदम उठाया गया है माइक पोम्पियो की ओर से चाइना के खिलाफ, तो आप भी ये बात जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और खबर की माने तो स्कूल को
दोबारा खोलने को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां ना तो मॉर्निंग में कोई असेंबली होगी, ना कोई प्रार्थना होगी दोस्तों, ना होगी चीजें शेयर। 9वीं से 12वीं का वैकल्पिक कैलेंडर को लॉन्च कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो चाइना पर अमेरिका का सख्त एक्शन, 5 उत्पादों के आयात पर लगा दी है रोक। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट को लेकर शुरू हुआ तनाव अमेरिका चीन में बरकरार है। अमेरिका ने इस बीच चीन के 5 उत्पादों पर रोक लगा दी। अमेरिका ने चीन की कई कंपनियों के सामान का आयातों पर भी रोक लगा दी है। अमेरिका को उत्तर पश्चिमी चीन में जातीय अल्पसंख्यकों पर व्यापक कार्यवाही के हिस्से के रूप में हिरासत में लिए गए लोगों से जबरन श्रम कराने का संदेह है। जी हां दोस्तों, ऐसे में बड़ी बात कही गई है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। आप कितनी सराहना करते हैं इसकी जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो तनाव के बीच चीन में अमेरिका के राजदूत देंगे इस्तीफा। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो दिल्ली बीजेपी दफ्तर तक पहुंचा कोरोना वायरस, 17 लोग मिले कोरोना से संक्रमित। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो प्रधानमंत्री मोदी की बिहार को 7 परियोजनाओं की सौगात, बोले एनडीए के राज में हो रहा है सबका विकास। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 7 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर दिया और शिलान्यास भी किया। साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का ये कार्यक्रम एक विशेष दिन पर हो रहा है। आज हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं। ये दिन देश के महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया जी की जन्म जयंती का है, उन्हीं की स्मृति को समर्पित है। हमारे भारतीय इंजीनियरों ने हमारे देश और दुनिया के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। ऐसे में दोस्तों बड़ी बारीकी से बात कही गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर। आप इनकी बात का कितना समर्थन करते हैं दोस्तों जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका ताइवान के बीच प्रस्तावित आर्थिक वार्ता से चीन नाराज, नुकसान उठाने को दी है धमकी। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो अब वेटिंग का झमेला हुआ खत्म, इन रूटों पर मिलेगा केवल कंफर्म टिकट। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अब टिकट बुक करने से पहले वेटिंग लिस्ट की चिंता करने की अब जरूरत नहीं होगी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को कंफर्म सीट देने का प्लान बना लिया है। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि यात्रियों को कंफर्म सीट देने के लिए 40 क्लोन ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये कुल मिलाकर किसी भी एक ट्रेन के साथ अतिरिक्त ट्रेन चलाने जैसा है। यानी अगर किसी ट्रेन में ज्यादा लोग टिकट बुक करवाते हैं तो एक एक्स्ट्रा ट्रेन भी चलाई जाएगी, ताकि वेटिंग लिस्ट की समस्या ही पूरी तरह खत्म हो जाए। जी हां दोस्तों, ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है रेलवे, भारतीय रेलवे की तरफ से। आप इसकी कितनी सराहना करते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप में से कितने ऐसे लोग अभी सफर करने वाले हैं हाल ही के दिनों में जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो इमरान के पाकिस्तान में दिन दहाड़े जज की पिटाई, विधायक के आरोपी पति फरार। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो शिव सैनिकों के हमले में घायल पूर्व नौसेना अधिकारी राज्यपाल से मिले और कहा कि आज से मैं भाजपा और आरएसएस के साथ हूं। जी हां दोस्तों, ऐसे में अगर आपको भी यही लगता है कि भाजपा और आरएसएस में जो लोग आते हैं वो वही आते हैं जो कांग्रेस से चोट पहुंचाए हुए लोग हैं दोस्तों, या फिर जो भाजपा को शुरू से ही दिल से मानते हैं, ऐसे में दोस्तों आप उन किन लोगों में से आते हैं? और दोस्तों आप लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार के बारे में कौन सी सोच रखते हैं दोस्तों, पॉजिटिव या नेगेटिव, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। अगर पॉजिटिव रखते हैं तो पॉजिटिव सोच लिखिएगा, अगर नेगेटिव रखते हैं तो नेगेटिव सोच लिखकर बताइएगा जरूर दोस्तों। देखते हैं आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या सोचते हैं। और खबर की माने तो संयुक्त अरब अमीरात ने दी कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। जी हां दोस्तों, और खबर की माने तो सोने चांदी की कीमतों में फिर दिखी तेजी, दिवाली तक 60,000 के पार पहुंच सकता है सोने का भाव। जी हां दोस्तों, और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूं अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए।